यस फ्रेंड्स, अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। मिस्टर ए प्रिपेयर अकाउंट ऑन 30th सितंबर ईच ईयर, बट ऑन 31st दिसंबर 2011 फायर डिस्ट्रॉयड द ग्रेट पार्ट ऑफ हिज स्टॉक। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वॉज कलेक्टेड फ्रॉम हिज बुक। स्टॉक 1 अक्टूबर को दिया है, परचेज दे रखी, वेजेस दे रखी है, सेल दे रखी है। द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 33.33% ऑन कॉस्ट। स्टॉक टू द वैल्यू ऑफ 3000 वर सेलवेज। इंश्योरेंस पॉलिसी वाज इतना। एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है। स्टॉक एट द बिगनिंग वाज कैलकुलेटेड एट 10% लेस देन कॉस्ट। ओके, यानी कि जो ओपनिंग स्टॉक है वो 10% कम किया है। अ प्लांट वाज इंस्टॉल्ड बाय द फर्म ओन वर्कर, ही पेड ₹500 विच वाज इंक्लूडेड इन द वेजेस। यानी कि वेजेज में ₹500 ऐसे इंक्लूड है जो उससे रिलेटेड है प्लांट से। परचेज इंक्लूड ₹5000 जो प्लांट की कॉस्ट है। अब ये जो हमारे गुड्स से रिलेटेड आइटम नहीं है, इन्हें हम हटा देंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द क्लेम फॉर द लॉस ऑफ स्टॉक। ठीक है, सो करते हैं। प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी आपको। सबसे पहले एक हमारा वर्किंग नोट बनेगा। सर्टेन मेंट ऑफ लॉस्ट कितना हुआ स्टॉक। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा फॉर 1 अक्टूबर 11 से 31st दिसंबर को आग लगी है, 1 दिसंबर को आग लगी है, एक मिनट देखें, यस 31 दिसंबर को लगी है। ठीक है जी, ओपनिंग स्टॉक हमारा 29,700 है। इन्होंने बोला है कि ये 10% लेस है, इसका मतलब ये 90% है, तो इसे 100% कर देंगे। ठीक है जी, आगे परचेजेज हमारी 75,000 की, इसमें से जो प्लांट की परचेज है ₹5,000 की है, तो वो हटा देंगे। ऐसे ही वेजेज हमारी हैं 33,000 की, प्लांट से रिलेटेड वेजेज हमारी ₹500 की हैं, वो भी हटा देंगे। ठीक है, अब सेल की बात करें। सेल क्वेश्चन में दे रखी है 1,40,000 की है। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखा है 33% ऑन कॉस्ट है, तो 1,40,000 इंटू 33 1/3% अपॉन 133 1/3% कॉस्ट है, तो सेल पे बन जाएगा। ये हो गया हमारा 35,000। ठीक है, तो इसका टोटल करेंगे तो ये आएगा 1,70,500। बैलेंसिंग फिगर होगी वो हमारी स्टॉक लॉस्ट होगी। ठीक है, 30,500 का हमारा स्टॉक लॉस्ट हुआ है। अब हमने सेल्वेज कितना किया, 3,000 का। ठीक है, सो क्लेम फॉर स्टॉक लॉस्ट हम कहेंगे ग्रॉस स्टॉक लॉस्ट कितना है, ये हमारा 30,500 का, इसमें से सेल्वेज्ड हो गया है 3,000 का, तो नेट स्टॉक लॉस्ट हुआ है
27,500 का। अब आप देखें पॉलिसी अमाउंट कितनी है, 25,000 की पॉलिसी अमाउंट है, 25,000। तो हम लिखेंगे सिंस पॉलिसी अमाउंट इज लेस देन ग्रॉस स्टॉक लॉस्ट, अप्लाई करेंगे हम एवरेज क्लॉज, क्लेम फॉर स्टॉक लॉस्ट इज इक्वल टू 27,500 इंटू 25,000 अपॉन 30,500, ये अमाउंट आएगी 22,541। ठीक है, सो आई होप पॉइंट क्लियर है आपको, बहुत सिंपल है, बार बार वही रिपीटेटिव काम है, थोड़ा सा इसको ट्रिकी करके दिया था बट वो हमने कर लिया। थैंक यू।